आपने अभी थोड़ी देर पहले बड़ी अच्छी दो बातें की, दोबारा कर, पता नहीं कौन सी सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में आपको बात। देखिए पाकिस्तान के पास हर चीज़ है, लेकिन पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान को सिर्फ मलाला यूसुफ़ज़ई और जो उसामा बिन लादेन के लिए जाना जाता है। हमने अपनी चीज़ को बेचते ही नहीं। हमारे यहाँ मुआशरे के अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि दिखावा नहीं करना है, उसको दिखावे की कॉन्सेप्ट समझते हैं, जबकि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। फिर पहाड़ के वजह पहाड़ आँख हो जल पहाड़ हो जाए, पहाड़ सामने हो आँखें सामने नहीं है तो है ही नहीं। तो मार्केटिंग एसेंशियल है पाकिस्तानियों के लिए अपनी प्रोडक्ट को बेचना। बहुत मुश्किल होता है किसी को भी बात अपने बारे में करना, लेकिन याद रखें कि अगर आप अपने बारे में बात नहीं करेंगे तो दूसरा आपके बारे में क्यों बात करेगा। पाकिस्तानी अपने बारे में बात नहीं करने को तैयार है तो पाकिस्तान के बारे में कोई और क्यों बात करने को तैयार है, उसको क्या लेना देना है। तो हर पाकिस्तानी को ये याद रखना चाहिए कि उसके पास एक ताकतवर तरीन औजार टूल मौजूद है, वो क्या है, वो है सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर। तीन वीडियो हर पाकिस्तानी को ज़रूर बनानी चाहिए, मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या पढ़ा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपके किस काम आ सकता हूँ। अपना तारुफ छोटा सा दो मिनट का वीडियो पे ज़रूर बना के डालें। सेकंड, आपका मुल्क क्या है, उसमें क्या ख़ास बात है, आपको उस मुल्क में क्यों आना चाहिए, आप मेरे गेस्ट बनेंगे वगैरह वगैरह, एक मिनट की वीडियो, दो मिनट की वीडियो बना के ज़रूर डालें। तीसरी, आपका दीन क्या है, जो भी आप अगर दीनदार इंसान है, जो भी आपका दीन है उसके बारे में बताना। ये है मार्केटिंग, अपने बारे में बताने को मार्केटिंग कहते हैं। दूसरा सब्जेक्ट है सेलिंग, सेल्समैनशिप। सेल्समैनशिप की डेफिनेशन हमारे यहाँ ये है कि उसने PhD किया हो, झूठ बोलने में उसको खाल उतारना आती हो, वो उल्लू बनाने को हम जो है ना सेल्समैनशिप कहते हैं। सेल्समैनशिप ये नहीं होती। सेल्समैन का काम होता है कि कस्टमर के, डॉक्टर वाला काम होता है, कस्टमर को डायग्नोस करे कि उसकी क्या प्रॉब्लम है, उसकी क्या ज़रूरत है, उसको कहाँ तकलीफ़ हो रही है और कौन सी दवाई खाने से उसका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, कौन सी चीज़ ख़रीदने से उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर वो दवाई गलत ख़रीद रहा है, चीज़ गलत ख़रीद रहा है, तो वो दवाई उसको मना करनी है कि आप दवाई ना खाएं, आपको हार्म हो रहा है। तो अगर हम भी नॉर्मल कसाई वाले डॉक्टर की तरह बनेंगे और हर एक को चीज़ पहना देंगे और हम समझेंगे कि हमने कोई कारनामा अंजाम दिया, तो कारनामा नहीं है, ये एक गुनाह का काम आप कर रहे हैं। तो आपका काम ये है कि देखिए, पैसा देना अल्लाह का काम है। अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है कि मैं आपको वहाँ से दूँगा जहाँ से आप सोच नहीं सकते। मैं लोगों को कहता हूँ जब आप सोच ही नहीं सकते तो परेशान क्यों होते हैं, काम करें जाएँ अपना, अल्लाह पैसे भेज देगा पीछे से कहीं से, कैसे भेजेगा ये उसका प्रॉब्लम है, आपका तो है ही नहीं। सेलिंग डज नॉट मीन कि आप चोरी बोले करें, झूठ बोलें, सेलिंग ही होती है, मार्केटिंग ही होती है कि आप अपने बारे में बताएं लोगों को, खुल के बताएं कि भाई मेरे पास ये अच्छी चीज़ है, झूठ ना बोलें। कभी कभी वाइट लाइज करते हैं, थोड़ा सा ट्रूथ को एक्सटेंड करते हैं, वो थोड़ा सा करना चाहें तो कर लें, कोई हर्ज नहीं। देखें ग्लास आधा भरा हुआ है तो आप ये ना बोलें आधा ग्लास खाली ही, बोलें आधा ग्लास भरा हुआ है। उस तरीके से देखना शुरू करें, आपके मुल्क में हर चीज़ है, क्या चीज़ें हैं आपके पास, हर चीज़ है। आपकी चीज़ के बारे में आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा, अपनी प्रोडक्ट के बारे में, अपने मंजन के बारे में, अपने ब्रांड के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने शहर के बारे में। आपका काम मार्केटिंग करना, पाकिस्तान को मशहूर करना भी और प्रोडक्ट को मशहूर करना। थैंक यू, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।